सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुर्ड। दोस्तों, इससे पहले मैं गूगल मीट के रिलेटेड, गूगल क्लासरूम के रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। दोस्तों, कई दिनों से मेरी वीडियोस पे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम आ रही है। जैसे स्टूडेंट गूगल क्लासरूम में या फिर व्हाट्सएप पे लिंक पे क्लिक करते हैं गूगल मीट में ज्वाइन करने के लिए, तो उनकी मीटिंग जीमेल के थ्रू ओपन हो रही है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप जीमेल की बजाय गूगल मीट में मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो कैसे करना है। ये सभी देखने के लिए बने रहे मेरी वीडियो के एंड तक। दोस्तों, वन बाय वन हम टू मेथड डिस्कस करेंगे कि अगर आप क्लासरूम की मीटिंग को जीमेल की बजाय गूगल मीट में ओपन करना चाहते हो तो कैसे करना है। अभी हम देखते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में जैसे स्टूडेंट क्लासरूम को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद उसके बाद स्टूडेंट क्लास सेलेक्ट करते हैं कि जिस क्लास की वो मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं। क्लास को चूज करने के बाद स्टूडेंट ने यहाँ सेंटर पे क्लिक करना है। सेंटर पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट के पास यहाँ पे आइकॉन शो हो जाता है मीटिंग को अटेंड करने के लिए, या स्टूडेंट को स्ट्रीम में भी लिंक आ सकता है, या स्टूडेंट को क्लास वर्क में लिंक मिल सकता है। जैसे मेरे पास क्लास वर्क में लिंक अवेलेबल है मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। जैसे स्टूडेंट क्लास वीडियो मीटिंग पे क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट की मीटिंग जीमेल के थ्रू ओपन हो जाएगी गूगल मीट में ओपन होने की बजाय। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स ने क्या करना है, फर्स्ट मेथड में स्टूडेंट्स ने इन 10 डिजिट को कहीं पे राइट कर लेना है या फिर याद कर लेना है। उसके बाद जीमेल को मिनिमाइज करना है एंड मीट को ओपन करना है। मीट को पहले इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। मीट को ओपन करने के बाद यहाँ मीटिंग कोड पे क्लिक करना है। मीटिंग कोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उस 10 डिजिट को फिल कर देना है जो मैंने आपको बताए थे। आपने इन 10 डिजिट को यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपने ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करना है। आपकी जो मीटिंग है वो मीट में स्टार्ट हो जाएगी जैसे पहले नॉर्मली होती थी। और दोस्तों, अभी मैं आपको सेकंड मेथड बताने वाला हूँ कि सेकंड मेथड में आपने क्या करना है। सेकंड मेथड में आपने जी मेल के आइकॉन को चूज करना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास होगा जी मेल का आइकॉन। सेकंड मेथड में आपने जी मेल के आइकॉन को लॉन्ग प्रेस करके सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगी ऐप इन्फो की, तो आपने ऐप इन्फो को सेलेक्ट करना है। दोस्तों, ऐप इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी स्टोरेज की, तो आपने स्टोरेज को सिलेक्ट करना है। स्टोरेज को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना है एंड क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद फिर से आपने क्लासरूम में विजिट करना है। क्लासरूम में विजिट करने के बाद आपने क्लास वीडियो मीटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास ईमेल चूज करने की ऑप्शन आएगी, तो आपने उस ईमेल को चूज करना है जिसके थ्रू आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो। जैसे आप ईमेल को चूज करोगे तो आपकी जो मीटिंग है वो गूगल मीट में ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने आस्क टू ज्वाइन पे क्लिक करना है एंड आपकी मीटिंग आपके टीचर के साथ स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, तो अगर आपकी गूगल क्लासरूम, गूगल मीट या किसी अदर एजुकेशन ऐप रिलेटेड क्वेरी है या कोई सजेशन है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।